एंड हम रेडी हो चुके हैं और अभी निकल रहे हैं मार्केट साड़ी खरीदने के लिए। और क्या होता है कि अभी साथ में पंकज नहीं चल रहा है, सिर्फ हम और दीदी भैया और सीवी और चुक्कू जा रहा है। तो दिखाते हैं आप सबको भी कि मैंने साड़ी कैसी खरीदी है इवेंट के लिए। तो पहले हम सैंडल लेंगे, बट हम सैंडल की दुकान पे आ चुके हैं। हील चाहिए मुझे क्योंकि मेरी हाइट बहुत छोटी है ना। अरे हाँ दीदी, आप तो करीना लग रही है सच्ची में, बिल्कुल। दीदी की आँख में हो गया, दीदी दिखाइएगा। इतना छोटा पैर है कि मेरे साइज का स्लीपर ही नहीं मिला। इतना सारा स्लीपर दिखा रहे भैया। हाँ अच्छा है, शर्मा रहे भैया। हम तो आपको लेंगे, नहीं हम तो आपको लेंगे हम आप। अरे शादी हो गई आपकी? अरे भैया अच्छा देखिए, नहीं नहीं कैमरा ऑफ हो गया आई आई आई। अरे नहीं नहीं ऑफ हो गया। सो फ्रेंड आप लोग देख सकते हैं ये इतनी महंगी सैंडल थी। और ये किस कंपनी की थी दीदी? ये देखिए मोची कंपनी की। और इसको मैंने सिर्फ एक बार यूज किया है और इसकी हालत हो गई खराब। ये देखिए आप लोग, ये देखिए 3 दिन पहले ली थी मैं। ये देखिए मतलब एकदम से, ये देख रहे हैं आप लोग, ये देखिए। अब इसको मैं करूंगी रिटर्न। अब देखिए रिटर्न करता है कि नहीं करता है। भैया रिटर्न करवा देंगे ना मेरा? हाँ क्यों दीदी? अरे लेकिन उसके पॉलिसी में है रिटर्न करेगा। बाप रे, जब से ये सैंडल टूटी तब से समझे ना मुझे रात में सपने भी आ रहे थे। कौन आ रहा तुम्हारा? थैंक्स। आज ही बारिश भी होनी थी, आज हमको इतना सारा काम है मार्केट में। हाँ इतनी सारी ये देखिए आप लोग, मैडम को देख लो, यही सबसे ज्यादा भीग रही है। फ्रेंड तो मैं आ चुकी हूँ, भैया और दीदी को मेरे साथ नहीं आया, वो लोग कहीं चुकू का बर्थडे है तो उसके निमंत्रण वगैरह देने के लिए चले गए। और अभी पे यहाँ पे सारे लोग लंच पे बैठे हैं, हमें पानी पी लेते हैं। स्किन टाइट कीजिए, प्रेशर हो चुका है ना। अरे भैया गर्म है सच में, बहुत बहुत ज़्यादा है। हम बताएँ मेरा रियल नेल कट रहा है, देख लो आप लोग। अगर मेरे 2-3 नेल्स टूटे नहीं होते तो शायद मुझे नेल एक्सटेंशन नहीं करवाना पड़ता। सो फ्रेंड एकदम चुड़ैल वाला नेल लग रहा है, मैं इतना रियल वाला नेल कट करवा के 2-3 नेल मेरा धोखा दे दिया मुझे, तब मुझे ये करवाना पड़ रहा है। लेकिन मुझे बहुत गंदा लग रहा है भैया, अच्छा लगेगा ना? फ्रेंड आप लोग देख सकते हैं एकदम चुड़ैल का नेल लग रहा है, पर चुड़ैल का नेल नहीं है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग आ गए कपड़ा लेने, जो हमने ब्लाउज दिया था बनने के लिए। और नेल्स का तो काम हो गया, आप लोग देख लीजिए। मुझे बहुत, मैं एक हाथ से फ़ोन ही नहीं पकड़ पा रही थी तत्काल में, अभी थोड़ा सूख गया तो एक हाथ से फ़ोन पकड़ी हूँ। धुक 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 कर रहा है, पता नहीं कपड़ा कैसा बना होगा, मतलब वही ब्लाउज। फ्रेंड्स हम अपना ब्लाउज ले लिए, ठीक। लेकिन देखिए पेटीकोट प्लाजा में आपका स्वागत है। पेटीकोट प्लाजा, ये इसका नाम पेटीकोट प्लाजा है। पेटीकोट प्लाजा? यस। अरे दीदी पेटीकोट प्लाजा? यस। फ्रेंड्स आ गई मैं अपना सैंडल लेकर, हाँ यहाँ मोची के शोरूम में। आइए भैया, सॉरी सॉरी ब्लाउज है ये, सॉरी। हाँ लेकिन चलो पूछो सीधी, कैसे सैंडल दिए थे भैया? सब पानी में गिरा दी हमको। तो मेरी सैंडल चेंज हो गई फाइनली, मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। अरे भैया चलो फ्रेंड्स की अम्मा चलो। हाँ मैं दिखा दूँ, जो फर्स्ट टाइम जो मैंने सैंडल लिया था उसी कलर का ही, लेकिन थोड़ा सा चेंज है निकालना ये। लेकिन वो मुझे ज़्यादा प्यारा लग रहा था, आप लोग बताना कमेंट्स में कौन ये वाला प्यारा लग रहा है कि वो वाला प्यारा था। देखो मुझे वही वाला अच्छा लग रहा था, क्योंकि अब इसको पहनेंगे तो हाथ लगाना पड़ेगा, और जो कि नेल्स लग रहे हैं मेरे दर्द होने, आप लोग देख रहे हैं ना,
एक साल लगे इतने बड़े बड़े नेल करने में। तो फ्रेंड फाइनली घर पे मैं आ गई और बहुत सारा मतलब जो भी है पैकिंग वैकिंग करना था मुझे, सब पैकिंग वैकिंग हो चुकी है। बाकी अब बारी है खाना खाने की, बहुत तेज भूख लगी है मुझे और आप लोग देख सकते हैं। और अंजलि मेरा मजाक उड़ा रही है, सारे लोग मजाक उड़ा रहे हैं कि कैसे तुम खाना खाओगे, दोनों हाथ में तो नेल्स लगा है, ये देखो आप लोग चुड़ैल की तरह। मुझे सच में अच्छा नहीं लग रहा, फिर मैं और छोटा कराऊंगी। तो देखते हैं, चम्मच से खाऊंगी चिको। तो फ्रेंड गुड मॉर्निंग, कल रात में यार बहुत अजीब अजीब सा आवाज़ आ रहा था इधर, क्योंकि यार रात में जब कुत्ते भोंकते तो साथ, कुत्ते जब भोंकते तो उनके साथ साथ कुछ चुड़ैल उड़ैल का भी आवाज़ आता है। ये पंकज भी सुना है, पंकज हाँ पंकज तक तो और सुनाई दे रहा, बट हम तो अभी तक नहीं सुना। शुक्रा तो फ्रेंड्स सर भी लगा दर्द होने, तो मैं तेल वगैरह रख के सो गई। फिर अभी क्या था कि मुझे जल्दी अभी निकलना भी है क्योंकि मेरी वही 4 बजे की फ्लाइट है। तो ओके अब मैं जा रही हूँ रेडियो, और इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। और हाँ एक बात और, मैंने आप सबको साड़ी नहीं दिखाया, वो मैंने जानबूझ के नहीं दिखाया क्योंकि आप लोग नेक्स्ट ब्लॉग में देखिएगा और अच्छे से देखिएगा। तो क्योंकि जिस शॉप पे मैं साड़ी खरीदने गई थी ना, वहाँ पे वीडियो बनाना अलाउ नहीं था, इस वजह से भी मैंने वीडियो नहीं बनाया और आप सबको दिखा भी नहीं पाई मैं। ठीक है तो ओके मैं चल रही हूँ अब रेडियो होने, नानी धोनी फ्रेश होने, फटाक से रेडी हो जाऊँ और निकल जाऊँ। और इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में।